नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। अलर्ट रहें आप गुनाह और गुनहगारों से। अलर्ट में आज की कहानी जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके स्क्रिप्ट पुलिस ने लिखी, किरदार और ऑडियंस भी पुलिस ने ही तय किए, लेकिन पूरे फिल्म जब दर्शकों के सामने आई तो कहानी 2 मिनट भी नहीं टिकी। वजह थी कमजोर पटकथा और पुलिस का बेहद कमजोर अभिनय। पुलिस को उम्मीद थी तालियों की, लेकिन सवालों की चीख ने पुलिस को सख्ते मिला दिया। सिमी के 8 संदिग्ध आतंकी भोपाल जेल तोड़कर भाग जाते हैं। कहानी अच्छी नहीं है पर सच्ची है। पुलिस 8 घंटे में 8 आतंकियों को ढूंढकर एक ही जगह और एक ही वक्त पर मुठभेड़ में ढेर कर देती है। कहानी अच्छी है पर शायद सच्ची नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की एनकाउंटर की थ्योरी खुद अपने आप में ही उलझी हुई है। सोमवार की अल सुबह जब हम और आप दीपावली मनाने के बाद सुकून की नींद सो रहे थे, तभी दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अति सुरक्षित माने जाने वाली ISO सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल में अब तक का सबसे बड़ा जेल ब्रेक हो चुका था। तकरीबन सुबह 3 बजे सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 8 संदिग्ध आतंकवादियों ने जेल में मिले बर्तनों का हथियार और चादरों की रस्सी बनाकर जेल की सुरक्षा को धत्ता बताकर जेल से फरार हो गए। इस बीच जब जेल की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड रमाशंकर यादव ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो संदिग्ध आतंकवादियों ने बेरहमी से सुरक्षा कर्मी की गला रेत कर हत्या कर दी। आतंकी अपने इरादे जाहिर कर चुके थे। जैसे ही खबर फैली, सियासतदानों से लेकर अफसर शाहों और आम जनता के हाथ पैर फूलने लगे। होता भी क्यों ना, आखिरकार सिमी के 8 संदिग्ध खूंखार आतंकी अब जेल की 4 दीवारी से आजाद हो चुके थे। उनके खुली हवा में सांस लेना दूसरों की सांस की डोर पर भारी पड़ सकता है। इंसानियत और अमन चैन के दुश्मन अब कभी भी बिना किसी खौफ के अपने गलत इरादों को अंजाम दे सकते थे। इसी डर के साए में एक पहर बीत चुका था। रात से सुबह हुई, दिन भी आधा गुजर चुका था, लेकिन तभी खबर आई कि जेल से भागे सभी संदिग्ध आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। सरकार के साथ साथ आवाम ने भी राहत भरी सांस ली। सरकार इसे अपनी सफलता मानकर अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि थोड़ी ही देर में अपने साथ कई शक और सवाल लिए एनकाउंटर का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एनकाउंटर के तरीके और पुलिस की पूरी थ्योरी को ही सवालों के घेरे में ला दिया। दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से भागे 8 संदिग्ध आतंकी कुछ ही घंटे बाहरी दुनिया में सांस ले पाए। 8 घंटे बाद ही पुलिस के साथ मुठभेड़ में सारे फरार आतंकी मार गिराए गए। हालांकि इस एनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया है उसने पूरे एनकाउंटर को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जेल ब्रेक करने के 8 घंटे भी नहीं बीते थे कि ATS और भोपाल पुलिस ने 8 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। इन सभी को भोपाल शहर के बाहरी इलाके ईंटखेड़ी में मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक चौतरफा गिर जाने के बाद आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया गया। देश में प्रतिबंधित सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के ये सारे आतंकवादी भोपाल सेंट्रल जेल से दीपावली की रात भाग गए थे।
अचारपुरा गांव का यही वो पठार है जहां पर 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 से 11 बजे के दरमियान इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार हुए आठों सिमी के आतंकवादियों को यहां मार गिराया। ये वही क्राइम सीन है, यहां पर पुलिस का लगभग एक घंटे तक इनकाउंटर चला सिमी के आठों आतंकवादियों से। ये पूरा एक कॉरिडोर बनाया हुआ है क्राइम सीन का पुलिस ने। सूबे की सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया के जरिए एक 49 सेकंड का वीडियो सामने आया। वीडियो किसी आम आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे से बनाया था। पहली नजर में तो ये वीडियो पुलिस की बहादुरी साबित करती है, लेकिन गौर से देखने और सुनने के बाद यही वीडियो पुलिस के दावों और कार्यशैली पर सवाल भी उठाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही जगह पर एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के शव पड़े हैं। कैमरे के पीछे से आ रही बातचीत के मुताबिक एक पुलिस वाला एक आतंकी के शव के पास जाता है और तलाशी लेना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी को आतंकी की कमर से लगा एक चाकू मिलता है। पुलिस का दावा है कि आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे, लेकिन वीडियो में चाकू के अलावा कोई हथियार नहीं दिखाई दिया। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसके बाद दिखाई देता है। वीडियो बनाने वाला शख्स कैमरे का एंगल हाथ में हथियार लिए दूसरे पुलिसकर्मी की ओर करता है और वो पुलिस वाला एक्शन में आ जाता है और बिना किसी देरी के सामने पड़े आतंकी के शव पर गोली दाग देता है। गोली इतने करीब से मारी जाती है कि आतंकी के छाती पर रखा उसका हाथ उछलकर दूसरी ओर गिर पड़ता है। वीडियो बना रहे लोगों की फिर से मांग होती है कि एक गोली और मारी जाए। लेकिन इस बार पुलिस वीडियो बनाने का हवाला देकर दोबारा गोली मारने की मांग को खारिज कर देती है। अब आपको दिखाते हैं दो और वीडियो। ये वीडियो एनकाउंटर के ठीक एक दिन बाद सामने आए। दूसरा वीडियो 45 सेकंड का है और तीसरा 26 सेकंड का। पहले वीडियो में आतंकियों के शव दिख रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में आतंकियों से बात करते पुलिस वाले, और तीसरे वीडियो में आतंकियों पर फायरिंग हो रही है। और इन तीनों वीडियो की न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने बारीकी से पड़ताल की है। एनकाउंटर के बाकी के दो वीडियो में सामने पहाड़ी पर आतंकी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वायरलेस सेट पर मैसेज देते हुए एक पुलिस वाले की आवाज भी आ रही है। वो कह रहा है, कंट्रोल, ये पांच आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, तीन आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में है, चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। न्यूज वर्ल्ड इंडिया इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो यकीनन पुलिस की कार्यशैली गलत है। पुलिस के तौर तरीके पर सवाल खड़े होना लाजमी है। आपने पुलिस के दावों को देखा सुना, आपने एनकाउंटर के वीडियो को भी देखा सुना। आप ही की तरह हमारे जहन में भी कई सवाल जवाबों की तलाश में कौंध रहे थे। पुलिस की थ्योरी के थीसिस को समझना बेहद मुश्किल था। देश की आवाम और इंसानियत के लिए खतरा बन चुके आतंकियों को जान पर खेलकर एनकाउंटर में मार गिराने के लिए जिस मध्य प्रदेश पुलिस महकमे की तारीफ होनी चाहिए थी, आखिर वो पुलिस महकमा सवालों के घेरे में क्यों है? जितनी गोलियां पुलिस वालों ने आतंकियों के ऊपर भी नहीं चलाई थी, उससे ज्यादा तीखे सवाल पुलिस के एनकाउंटर की थ्योरी को छलनी क्यों कर रहे हैं? जाहिर है ऐसा तो कुछ हुआ है जो पुलिस की कथनी और करनी को झुठला रहा है। दरअसल वीडियो के मुताबिक जिसने भी एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी वो निहायत ही घटिया थी, क्योंकि जो कहानी सामने आ रही है वो किसी के गले नहीं उतर रही। रात को तकरीबन 2 से 3 के बीच में इन लोगों ने एक जेल प्रहरी हवलदार श्री रमाशंकर यादव का गला रेत कर हत्या करने के बाद वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले चादरों को इस्तेमाल करते हुए उनसे एक मेकशिफ्ट सीढ़ी बनाकर जेल की दीवार लांघकर वहां से फरार हुए। पुलिस और जेल प्रशासन की लापरवाही। लापरवाही नंबर 1, भागे आतंकवादियों की सेल में
खास तौर से लगाए गए सभी 4 सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े थे। लापरवाही नंबर 2, 4 SAF जवानों की तैनाती सिर्फ इन्हीं पर नजर रखने के लिए हुई थी, लेकिन वो सब सो रहे थे। लापरवाही नंबर 3, शहीद हवलदार रमाशंकर यादव दिल के मरीज थे। उन्होंने इतने संवेदनशील सेल में ड्यूटी न लगाने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लापरवाही नंबर 4, जेलर ऑफिस के आसपास कैबिन में तैनात सिपाही भी घटना वाली रात गायब था। लापरवाही नंबर 5, इन बैरक की चाबियों का बक्सा यहां से 1.5 किलोमीटर दूर जेलर के कैबिन में था। सरकार और सरकारी अधिकारियों की ओर से आए बयानों के बावजूद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस और जेल प्रशासन पर सवाल। सवाल नंबर 1, क्या 28 से 30 फीट दीवार को चादर की मदद से फांदा जा सकता है, और क्या ये चादरें इतना वजन उठा सकती हैं? सवाल नंबर 2, एक ही बैरक में सभी अभियुक्तों को साथ क्यों रखा गया? सवाल नंबर 3, अगर विचाराधीन आतंकियों को भागना था तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की ओर जाना चाहिए था, न कि ऐसे इलाके में जो गांव है। सवाल नंबर 4, कथित मुठभेड़ के दौरान इन अभियुक्तों के पास कैसे हथियार थे, और वो हथियार कहां से आए? क्या इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी? सवाल नंबर 5, एनकाउंटर के एक वीडियो में दिख रहा है कि फरार आतंकी सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसका मौका क्यों नहीं दिया? सवाल नंबर 6, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि कुछ ही दूरी पर संदिग्ध दिखाई देते हैं, तब तक एक आवाज आती है, कंट्रोल रूम, ये 5 लोग हमसे बात करना चाहते हैं, 3 भागने की कोशिश कर रहे हैं, चलो उन्हें घेर लो। इसके बाद गोलियों की आवाज आने लगती है। बड़ा सवाल, सरेंडर क्यों नहीं? सवाल नंबर 7, एक और वीडियो के मुताबिक पुलिस संदिग्ध आतंकियों के शवों की जांच कर रही है, जिसमें एक पुलिस वाला साफ तौर पर एक मरे हुए शख्स पर गोलियां चला रहा है। सवाल नंबर 8, भोपाल की हाई सिक्योरिटी और ISO सर्टिफाइड जेल का CCTV फुटेज कहां है? सवाल नंबर 9, मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवानों के घायल होने की बात सामने आई थी, लेकिन इन तीनों को ही गोली नहीं लगी थी, बल्कि धारदार हथियार से चोटें आई थी। सवाल नंबर 10, जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी जेल में 8 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसे में जेल मैनुअल के खिलाफ एक साथ 35 खूंखार कैदी क्यों रखे गए? सवाल नंबर 11, जेल से फरार होने के बाद आतंकियों के पास जीन्स, टी शर्ट जैसे साफ सुथरे कपड़े कैसे आए? सवाल नंबर 12, हाई अलर्ट के दौरान 35 आतंकवादियों को रखे जाने वाली जेल की सुरक्षा 2 सिपाहियों के भरोसे कैसे छोड़ दी गई? सवाल नंबर 13, जेल से फरार होने के बाद आतंकवादियों ने 8 से 9 घंटे तक भोपाल के आसपास ही रहने का फैसला क्यों किया, जबकि प्रदेश की सीमा से बाहर भागने में 8 से 9 घंटे काफी होते हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो सूबे की सरकार और उनकी मशीनरी को सीधे तौर पर घेरते हैं। इन सवालों के जरिए सरकार की लापरवाही शीशे की तरह साफ होती है। सिमी के मारे गए सभी आतंकी विचाराधीन थे, उनका ऐसे जेल तोड़कर भागना महज इत्तफाक नहीं हो सकता। मुमकिन है काफी पहले से फरारी की योजना बनाई जा रही होगी, और सूबे की सोई सरकार और उसके खुफिया तंत्र को इसकी कानों का खबर तक नहीं लगी। अगर पुलिस इन आतंकियों में से एक को भी जिंदा पकड़ लेती तो शायद इस पूरे जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड और मददगारों की पहचान हो पाती। जेल से फरार होकर इनके मंसूबों को जाना जा सकता था, लेकिन शायद मध्य प्रदेश पुलिस को इन आतंकियों को मारकर कंधे पर फीतों की संख्या बढ़ाने की ज्यादा जल्दी थी। सिमी के 8 संदिग्ध आतंकी भोपाल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल में से एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से कत्ल करके फरार हो जाते हैं। आखिर कौन थे ये संदिग्ध आतंकी और क्या था इन पर इल्जाम, यह हम आपको बताते हैं। एनकाउंटर में मारे गए 8 संदिग्ध आतंकी। अकील खिलजी, पता बिलाल मॉस्को, गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा, मध्य प्रदेश। मुकदमा हत्या, डकैती, देशद्रोह। अब्दुल मजीद, पता किदवई पथ, नागौरी मोहल्ला, वार्ड 15, महिदपुर, उज्जैन। मुकदमा हत्या, डकैती, देशद्रोह। मोहम्मद खालिद अहमद, पता मकान नंबर 460, विजयनगर, सोलापुर, महाराष्ट्र। मुकदमा हत्या, लूट, देशद्रोह।
मुजीब शेख उर्फ अकरम, पता जाखिर पार्क जुहापुरा अहमदाबाद गुजरात। मुकदमा हत्या लूट डकैती। जाकिर हुसैन सादिक, पता खंडवा मध्य प्रदेश। मुकदमा हत्या लूट डकैती देशद्रोह। शेख महबूब, पता खंडवा मध्य प्रदेश। मुकदमा हत्या लूट डकैती देशद्रोह आतंकी गतिविधियां। अमजद खान, पता खंडवा मध्य प्रदेश। मुकदमा हत्या लूट डकैती देशद्रोह। मोहम्मद सलीम उर्फ सल्लू, पता खंडवा मध्य प्रदेश। मुकदमा हत्या लूट डकैती देशद्रोह। ये लोग विभिन्न अपराधों में अंडर ट्रायल थे और वहां पर कुछ 2014 से कुछ 2016 से जेल में निरुद्ध थे। जेल से भागने वाले आतंकियों में से तीन 2013 में भी खंडवा जेल से फरार हो चुके थे। इसके लिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चल रहा था। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट समेत 5 अफसरों को मुठभेड़ से पहले ही निलंबित कर दिया। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते 8 आतंकियों को मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन भोपाल जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल इससे कम नहीं हो जाते। दस्तूर के मुताबिक सीमी के 8 संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर पर भी सियासी अखाड़े में नूरा कुश्ती जारी है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है, तो सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार विपक्ष पर आतंकवाद के मसले पर राजनीति का आरोप लगा रही है। भोपाल जेल से फरार सिमी के संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर के एक के बाद एक 3 वीडियो सामने आए। जेल से चंद किलोमीटर दूर हुए एनकाउंटर की एक अलग ही कहानी बयां हो रही है। एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए और न्यायिक जांच की मांग होने लगी, क्योंकि जो दिख रहा है उसके मायने क्या हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। सियासतदानों को भी मौका मिल गया है। कोई जांच की आवश्यकता नहीं है और पुलिस ने सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। हम पुलिस ने जो फैक्ट्स है वो सब बताए। क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं तो सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता? भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान के सीमी लड़के निकालते हैं, मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता? ये तो गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो गुजरात में जो एनकाउंटर फेक एनकाउंटर होता था उसी स्टाइल में हर स्टेट में भी हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष के इन आरोपों से बेहद नाखुश नजर आ रहे हैं। पता नहीं बाहर जाके क्या कहर बरपाते अगर निकल जाते, लेकिन इनके लिए आसमान सर को उठाने की कोशिश हो रही है। और शहीदों की शहादत के बारे में 2 शब्द नहीं बोले गए। लानत है ऐसी राजनीति पर और लानत है ऐसे नेताओं पर भी। शिवराज सिंह चौहान ने इन सारे आरोपों को नकारते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दी कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती और इन आतंकवादियों के मारे जाने की हर घटना से पुलिस को क्लीन चिट दे दी। जिस भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 संदिग्ध आतंकी भागे थे वहां लापरवाही की भरमार थी। इस बात का खुलासा जेल ब्रेक की घटना के बाद कैदियों की सेल की तलाशी लेने से शुरू हुआ। जेल मैनुअल की खुलेआम धज्जियां उड़ रही थी। बड़ा सवाल यह कि जेल ब्रेक के 72 घंटे बाद भी जेलर साहब ISO सर्टिफाइड डिग्री को समझ नहीं पाए। भोपाल सेंट्रल जेल के इस बोर्ड पर गौर फरमाइए। जेल के नाम से भी ज्यादा जो चीज हाईलाइट की गई है वो है 2000 से 2015 के बीच इन्हें 3 बार मिला ISO सर्टिफिकेट, यानी इन्हें नाज है इन ISO सर्टिफिकेट्स पर। अब इन्हें इस बोर्ड पर शायद खुद ही हंसी आ रही होगी। मसलन विचाराधीन आतंकियों के बैरक में काजू, किशमिश और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स के अलावा बर्तन और सिगड़ी भी मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल वो खुद खाना बनाने के लिए करते थे, यानी जेल में वो अपनी मर्जी चलाते थे। सीसीटीवी फुटेज खराब है,
जेल के अंदर जब एनआईए की टीम जांच करती है तो एनआईए की टीम को ड्राई फ्रूट के पैकेट मिलते हैं, और जिन कैदियों को यहाँ रखा गया था अलग अलग बैरिक में, उन कैदियों के खाने की अलग से व्यवस्था है, उनकी जेल में चूल्हा मिलता है। तो कुल मिलाकर किसी भी दृष्टिकोण से ये समझ में नहीं आता है कि आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ जारी कर दिया गया और उसके बावजूद भी यहाँ की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी दृष्टिकोण से यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि दो साल पहले ही पूर्व आईजी जेल जीके अग्रवाल ने सरकार को प्रदेश की जेलों की खामियां उजागर की थी। उनमें आईएसओ सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल भी शामिल है। एनकाउंटर के 72 घंटे के भीतर ही एक ऑडियो क्लिप सामने आई। इस ऑडियो क्लिप में पुलिस की टीम अपने अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। इस बातचीत से इतना तो समझ में आ रहा था कि मौकाए वारदात से आठों संदिग्ध आतंकवादियों में से किसी को भी पुलिस जिंदा गिरफ्तार करना कतई नहीं चाहती थी। टारगेट पांच है, यही नहीं,
जेल ब्रेक की घटना के 72 घंटे नहीं बीते थे, जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे जेल के सिस्टम और जेलर पर ही सवाल खड़े करती है। आज बस इतना है, मैं फिर आऊंगा आपको अलर्ट करने, इसी दिन इसी वक्त। फिलहाल अलर्ट की पूरी टीम की तरफ से परिवेश वात्सायन को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बच के रहना।